पित्ताशय या गॉल ब्लैडर शरीर का छोटा सा हिस्सा या अंग है। इसका स्थान लिवर के पीछे होता है। पित्ताशय का आकार नाशपाती की तरह होता है। पित्ताशय का मुख्य काम पित्त या डाइजेस्टिव फ्लूइड को एकत्रित करना है। जब बाइल या पित्त के स्ट्रक्चर में केमिकल असंतुलन होता है तो पित्ताशय में पथरी हो सकती है। गॉल ब्लैडर में स्टोन का आकार मटर के दाने जितना हो सकता है या उसका साइज एक गोल्फ बॉल जितना बड़ा हो सकता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन होने पर डॉक्टर सर्जरी की मदद से गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं। इससे मरीज को दर्द से आराम मिलता है। हालांकि गॉल ब्लैडर निकल जाने से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। वही गॉल ब्लैडर के बिना खाना पचाने में थोड़ी मुश्किल भी आती है। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आप भी पित्त की पथरी के दर्द से हैं परेशान तो उससे तुरंत राहत पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो पित्त की पथरी का दर्द अगर कम करना चाहते हैं तो ज्यादा तला भुना खाने से परहेज करें। इसके अलावा भुजंग आसन आप रोजाना करना शुरू करें, इससे गॉलस्टोन का दर्द अपने आप कम हो जाएगा। साथ ही आप धनुरासन की मदद से पित्त की पथरी का दर्द कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोजाना एक ग्लास सेब के रस में सेब साइडर सिरका का एक बड़ा चम्मच मिलाकर नियमित रूप से दिन में एक बार इसका सेवन करें। सेब में मौलिक एसिड होता है जो पित्त पथरी में नरमी लाता है और सिरका पत्थर के कारण कोलेस्ट्रॉल बनाने से लिवर को रोकता है। ये एक पित्त की पथरी के हमले के दौरान दर्द को कम करने का सबसे जल्दी का उपाय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।